धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार, जय श्री ठाकुर जी की। जय श्री ठाकुर जी। नमस्कार, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं आपका चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक। और आज मैं मंदिरों के जो कार्यक्रम आपको दिखाता हूँ उसी श्रृंखला के अंदर मैं पहुँचा हूँ आज से खिसर। फतेहपुर तहसील है सीकर डिस्ट्रिक्ट की, और उसी फतेहपुर तहसील में एक छोटा सा गांव है सेखिसर। आज जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। तो यहाँ एक मंदिर है ठाकुर जी का, यहाँ भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी यहाँ होता है और काफ़ी संख्या के अंदर ग्रामीण लोग इस मंदिर के अंदर पहुँचते हैं। ये ठाकुर जी का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर कुछ दो चार एक बातें ऐसी, यानी बहुत पुरानी बातें हुई है। जब वो बातें मैंने सुनी तो मेरा मन ये हुआ कि इस मंदिर का हमारे को वीडियो बना करके लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो वास्तव में भगवान के अंदर क्या शक्ति है, भगवान क्या कर सकता है। एक ऐसी बात बताई कि जो यहाँ का जो गर्भगृह यानी मंदिर के आगे यानी चारपाई डाल करके कोई सो नहीं सकता, चारपाई पलट जाती है। और भी बहुत सी बातें वो बताएंगे हमारे को। मैं फिलहाल आपको मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य ये रहता है कि मैं आपको नए नए और नई नई जगह के मंदिरों के दर्शन करवाऊँ। आपको इतिहास बताना इसलिए उचित होता है कि आप सबको भी ये मालूम रहे कि इतना पुराना जो मंदिर 193 ओल्ड यानी 193 वर्ष पुराना जो मंदिर कैसे बना, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या शक्ति है। तो शक्ति तो ईश्वर की है, तभी तो आज इतना बड़ा मंदिर बना है। इतने वर्षों से इस मंदिर की सेवा हो रही है, तो मैं वही कार्यक्रम आपको दिखा रहा हूँ। आप देखते रहिए हमारा चैनल रतनगढ़ धार्मिक। इस प्रकार की और जानकारी, रोचक जानकारी, मंदिरों के दर्शन अगर आपको करने हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक जो भी धार्मिक भक्त हैं उनमें शेयर अवश्य करें। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आपको जरूर लाभ होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इन्होंने एक दो बातें और भी बताई हमारे को। देखो कि एक बच्चे ने हमारे को ये बताया, उस बच्चे से मैंने छोटी सी मुलाकात की, उस बच्चे से बात की। बच्चा एक्टिव था। एक्टिव बच्चा होने के बाद में, एक्टिव बच्चा होने के कारण उस बच्चे से मैंने बात की, तो उस बच्चे ने मेरे को एक बात कही कि जी हमारे घर के अंदर 3 दिनों से सांप आ रहे हैं। तो वो बच्चा अपने मुख से बताता है कि देखो सांप का क्या कारण है, हम उस सांप को हम क्या मानते हैं, वो सारी बातें वो बच्चा बताएगा। तो देखते रहिए आप ये कार्यक्रम। धन्यवाद। तो अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो है पितृजी महाराज का स्थान है। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ में, वो हमारे को इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी देगा। तो बाबू आपका नाम क्या बेटा? नैतिक मेहसी। तो कौन सी में पढ़ते हो आप? हम गांव में पढ़ते हैं। गांव में पढ़ते हो। आपके गांव का नाम क्या है? सेखिसर। सेखिसर। तो आपने जैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं तीसरी में। तीसरी में। तो अभी आपने मेरे को बताया था संस्कृत, क्या बताया था? संस्कृत मीडियम। संस्कृत मीडियम। देखो छोटा सा बच्चा है, सेखिसर का है और गांव का बच्चा है, लेकिन ये संस्कृत मीडियम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत शानदार बात है, अच्छी बात है। इस बच्चे को मैं आशीर्वाद देता हूँ। सामने महाराज कौन से थोड़ा बता हुआ है? ये इनका नाम है कमलकांत मेची जी, और ये मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा। और ये थोड़े साल पहले ही मना था मंदिर। अच्छा। और ये पुराना है। हाँ, ये का मंदिर पुराना है। अच्छा। और ये थोड़े साल बाद में मना था। अच्छा। और बताओ मंदिर के बारे में, आप रोज जाते हो मंदिर में? इसमें? हाँ, इसमें उसमें कभी कभी जाता हूँ। और यहाँ पितृजी को? यहाँ पे आरती बोलता हूँ रोज। रोज आरती बोलते हो? कौन सी आरती बोलते हो? आपको आरती आती है? आपको बताना, थोड़ी सी बताना। जी जी पितृजी महाराज, मैं चरण पड़िया हाथ हारी, चरण पड़िया हारी, मैं लुखी उलास हमारी। एक तो ये और एक आओ जी आओ हमारे घर में देव मनावा, आओ जी आओ घर का देव मनावा। एक और भी है?
से देखो छोटे से बच्चे ने पितर जी की आरती भी सुनाई हमारे को, और इस मंदिर के बारे में ऐसा कुछ सुना है कि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, सुना आपने? मतलब यहाँ पे है ना, हाँ। ऐसे तो नहीं पर है ना, यहाँ पे आज है ना, कई दिनों से है ना, एक सांप आ रहा है। अच्छा, सांप आ रहा है। हाँ, वो भी इतने से पतला सा। अच्छा। और इतने बड़ा। अच्छा। आज भी आया था। अच्छा। और वो हम उसको मारते नहीं है, वो देवता समझते हैं हम उसको। अच्छा। हाँ। तो वो मंदिर में आता है यहाँ? हाँ, मंदिर में रोजन आता है। दो दिन हो गए लोग उतर है? हाँ, तीन दिन हो गए। तीन दिन हो गए। एक पहले आया था। अच्छा। और एक यहाँ पे बाहर आया था। अच्छा। आज ऊपर ऊपर आया था छत पे। अच्छा अच्छा, छत पे आ गया था। अच्छा। तो आप मतलब पितर जी संकलाई मानते हो, आप पितर जी को समझ कर मानते हो? अच्छा, पितर जी आपके घर के सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं? चलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने दोबारा अपना नाम बताना बेटे। नैतिक महर्षि। कौन नाम, क्या बताया? नैतिक महर्षि। घर का नाम गोनू है। गोनू है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शन करवा दूं थोड़ा सा इधर, पितरजी के दर्शन करवाना। ये पितरजी का दोबारा नाम बताया बेटे, क्या नाम बताया आपने? कमलकांत महर्षि। देखो जी, आप कमलकांत जी महर्षि जी के आप दर्शन कर रहे हो, सभी दर्शन कीजिए आप। मैं अभी सेकेसर से बोल रहा हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा, सपना माते तो भाई मेरे को नाटे ले लूँगा। अच्छा। देवता रूप में आ गया। अच्छा। तो हम नाटे ले लिए उनको। अच्छा। तो नाटे लेने के बाद में हमारी सब मनोकामना करते तो पूरी हो जाती है। देखो जी, पितर जी महाराज ने चमत्कार ये किया है कि सपने में आने लग गए थे, इनको दिखाई देने लग गए थे, तो इन्होंने नाटा ले लिया, आज इनका स्थान है। और ये हमारे देवर है कमलकांत, जो हमारी हर बात हर कामना पूरी करते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी हमारे घर में दिक्कत हो जाती है तो हम भी सिमरते हैं उनको, तो ये काम पूरा करते हैं। नमस्कार। देखो कि आज ये मंदिर के अंदर बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा जन्माष्टमी को। सेकेसर के अंदर रहा और फतेहपुर तहसील है और सीकर जिलो है। आज मेरा भाग्य है कि मैं वेद जी है मेरे साथ, महर्षि जी जिका ये मंदिर का पुजारी जी भी है, मालिक भी है, ये मंदिर ने संभाले भी है। आज से मेरी मुलाकात हुई है और ये मंदिर के बारे में पूरी आप जानकारी लेवा। एक छोटा सा चमत्कार है, बहुत ही शानदार चमत्कार है, जिकी मैंने बात बताई, जिकी मैं थरसा के शेयर करनी चाहूँ। आप सुनो, पहला मैं प्रणाम करूँगा चरणा में। तो भेद जी, थोड़ा सा आपको नाम बताओ जी। मेरा नाम ओम प्रकाश महर्षि है। ओम प्रकाश महर्षि थे। ये मंदिर मतलब के संभालो, मंदिर पूरी पूजा पाठ संभालो, के संभालो जी? हाँ, मंदिर की पूजा पाठ करना, साफ सफाई करनी, सो काम ही करना पड़े। सो काम करो। तो वो मंदिर लगभग भी कितना साल पुराना है जी? और मंदिर है वो जो गंदा निर्माण हुआ है वो तो 7 वर्ष पुराना है। और यूँ पहली पुरानो मंदिर हो जो को संवत 1886 कमाए बनाएड़ो हो, और सन के हिसाब 1829 ईस्वी में। यानी लगभग कितना वर्ष हो गया जी हमारा? लगभग 193 वर्ष। 193 वर्ष। देखो कितो प्राचीन मंदिर है, 193 साल पुरानो मंदिर। देखो अगर ये मंदिर में चमत्कार नहीं होता तो आज इतो बड़ो मंदिर कौन बनतो। लेकिन ये मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ो चमत्कार है जो को बेद जी आपका श्रीमुख से अपन बताओगा। बेद जी एक थोड़ा सो चमत्कार बताओ कि मैं सुनियो है अभी जी का मैंने दर्शक मिला बताया कि ये मंदिर के आगे जो कहना कोई कौन सोच का वो एक के चमत्कार है, थोड़ा बताओ। ये मंदिर के है जो को आगे होल बनेड़ो है बरामदो, हाँ, गर्भ ग्रह बी के आगे कोई चारपाई लगा की सोनु चावे रातन तो कौन सोच के भी की चारपाई उल्ट जावे मंदिर या कोई की उल्टी कोई। हाँ, मारे मंदिर है जो को सरऊ आवे 12 महीना, मारा वहर 12 महीना, मारा भाई दूसरा है जका कावे भी परिवार मु एक परिवार कल्याणपुरा बसेड़ो है। अच्छा, अच्छा। वह कल्याणपुरा आप पूजा करने जद भी आवे तो बन अठे रहनु पड़े है। अच्छा, अच्छा। तो वह राधेश्याम जी नाम पुजारी है, बैठ है 3-4 बार सोने की ट्राई करी तो बाको माचो पलट जातो और बन विचित्र सी आवाज आती। मैंने 20 दिन बाद में और दोबारा कोशिश करी तो भाई घटना दोबारा घटी भी के बाद में वह जद भी पूजा करने ठावे वह महाले कराई रहे मंदिर का माँ पूजा कर श्याम को भोग प्रसाद लगा कर चढ़ा के महाल लग रहा चले पास हो गया कि वास्तव में कोई ना कोई चमत्कार है। हाँ, और ठाकुर जी महाराज को मंदिर है। और की को बताए थे ठाकुर जी को? हाँ, ठाकुर जी महाराज को मंदिर है। और ये मंदिर को एक चमत्कार में वो देखियो के मारो घर नज़दीक अड़ा की है मंदिर कर
हमारे घर के बीच में कोई दीवार को नहीं, अच्छा। मंदिर की दीवार लगे हमारे। अच्छा अच्छा। तो मैं रात ने घंटियाँ की आवाज़ बहुत बार सुनया करता। अच्छा। और ये मंदिर का माँ एक चारपाई भी आकर थी छोटी सी ठाकुर जी के सुनने की खातरे। अच्छा, अच्छा। भी चारपाई ने बिछाई रखता। अच्छा। तो भी चारपाई ने सुबह में पूजा करने की खातर उठ के आता तो भी पर हमेशा सलवट ला दिया करती। हाँ देखो ठाकुर जी को बड़ो चमत्कार, ये टाइप को चमत्कार मथुरा के अंदर हुआ है, वृंदावन के अंदर हुआ है, लेकिन ये ठाकुर जी को चमत्कार अठा सेखी सर के अंदर हुआ है। मैं तो दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक बार आकर के जो भी भक्त हमारे कार्यक्रम देखने आ रहे हो अठा जरूर आके मंदिर का दर्शन थे करो। तो मैंने बहुत अच्छा लगे हो कि चमत्कार बताओ, और आज जो जन्माष्टमी को कार्यक्रम हो भी कार्यक्रम के बारे में थे क्या कहना चाहूँगा? जन्माष्टमी को अठे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ है हर साल। हाँ जी, 200-300 की संख्या के माए ग्रामीण औरत और आदमी जुट जावे हैं। अच्छा। और धार्मिक कार्यक्रम हुए और मटका फोड़ कार्यक्रम है, गुब्बारा फोड़ कार्यक्रम है। अच्छा। बजना को कार्यक्रम है। अच्छा। वो हर साल ही हुए हैं। अच्छा। और लुगाया भी खूब नाचे गावे हैं, आदमी भी नाचे गावे हैं। तो अभी तो मैंने कोई दर्शक वगैरह दिख रहे हैं तो 12 बजे जन्माष्टमी पर्व हुए है। अच्छा। तो 11:30-11 बजे जुटना शुरू हो जावे, आके लुगाया कीर्तन करने लग जावे है। अच्छा, अच्छा। और फिर 12 बजे भगवान को जन्म हुए भी टेम आरती हुए भी टेम फिर भोग लगा कि प्रसाद दे वितरण कर देवा। अच्छा। ऐसे आप फिर आप आपके ग्रह से ले जावे। भोग में क्या बनाओ जी आप? भोग में तो पंजीरी बने है। देखो मैं आज सुनना चाहूँ क्योंकि भोग के अंदर सभी जी पंजीरी बने, तो बैद जी से मिलियो मैंने बड़ी खुशी हुई। और मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि ई टाइप का जगह चमत्कारिक मंदिर है, बिना चमत्कार के इतो बड़ो मंदिर कदी कोई मनुष्य है। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु जगह अपनी रक्षा करे है और अपन आशीर्वाद देवे, तो हमेशा प्रभु विश्वास करनो। क्योंकि बेजी माने एक बात है कि अंक जगह भाई साहब वह कई बार आगे सोने की कोशिश करी और बांगी माची पलटगी क्योंकि वह अविश्वास करो। आखिर तो जाके बन विश्वास हो गयो कि हाँ वास्तव में बात हुए। तो मैं भी यह कहना चाहूँगा कि भगवान के ऊपर पूर्व के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। थारों मिलकर बड़ी खुश हुई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाट जी की मैं मूर्ति देखी हूँ, वह मूर्ति अष्ट धातु की है या तांबे की है, कहेंगे थोड़ी बता सको जी की प्राचीन मूर्ति जी की भगवान कृष्ण ठाकुर जी की मूर्ति है। हाँ, और लगभग 200 वर्ष पहले वो परिवार मारा आयो बट मारा दादा श्री टिक्कू राम जी इठे आया। हाँ, बगे 2 संतान हुई, एक संतान मंदिर को काम करे लगी, एक पूजा पाठ को काम करे लगी। तो वे टिक्कू राम जी आया जद मंदिर बनायो भी टाइम गांव का मित्र मंदिर बनायो भी मंदिर कमाए वह मूर्ति ले आज की अष्ट धातु की ही। अच्छा। रामचंद्र जी की सीता जी की मूर्ति अष्ट धातु की ही। अच्छा, अब जी के अंदर जी की मूर्ति है। हाँ। अच्छा। और सागे हनुमान जी की मूर्ति भी ही बस संगमरमर की ही। अच्छा। भी मूर्ति का ऊपर है बार बार सिंदूर चढ़ानो परत इन की आगे की भी मूर्ति को पता को लग हो क्योंकि 200 वर्ष पुरानी ना माने भी तो पता को नहीं हो क्या किया। हाँ, हाँ, सही है। जब मंदिर को पुनर्निर्माण हुए जब वह अष्ट धातु वाली मूर्ति ही बन तो स्थापित कर दी नहीं। अच्छा। अरबा हनुमान जी वाली मूर्ति ही जी सोचो ये पत्थर है। हाँ। भी न रख दियो फिर भी ने ऊपरों सिंदूर कुचरियो तो बस संगमरमर की बहुत शानदार मूर्ति निकली। हाँ। भी मूर्ति ने अब एक कानी रख रखी है बिन अभी तक स्थापित कौन करी। यदि गांव को मानस बनेगो तो गांव के सहयोग बिन स्थापित करांगा। वो मंदिर है जिसको दोबारा पुनर्निर्माण हुआ पूरे गांव का आर्थिक सहयोग हुए है, सगड़ो गांव मिल की करियो है, करीब 30 लाख रुपये में खर्च आयो है। देखो अब यहाँ जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है, भक्त लोग अभी आने शुरू हुए हैं धीरे धीरे। तो हमारे को बेजी ने बताया था लगभग भी 200-250 जो भी यहाँ भक्त आते हैं दरबार के अंदर लगभग 10:30-11 बजे आते हैं वो। और यहाँ तैयारियाँ चल रही है अभी, यहाँ रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है यहाँ पे, वही दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैंने आपको सेखीसर गांव का मंदिर दिखाया। अगर और मंदिर देखने हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। और निवेदन करूंगा कि अगर किसी प्रकार की बोलने में कहीं भी कोई मेरे से अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कन्विंस करना या बोलना नहीं आता।
मैं बस धार्मिक कार्य करने की मैं रुचि रखता हूँ, इसीलिए इस चैनल के ऊपर हमेशा आपके सामने उपस्थित होकर धार्मिक कार्यक्रम दिखाता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक, प्लीज सब्सक्राइब।